बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कलर सेंसर के बारे में। TCS230 एंड TCS3200 इस सेंसर का यूज़ करते हुए हम कलर डिटेक्टर बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है पावर सोर्स के लिए। इसके बाद अर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। LCD की फर्स्ट लाइन में रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है। इसके बाद सेकंड लाइन में कलर डिस्प्ले किया हुआ है। LCD की कंट्रास्ट सेटिंग पिन पे 10K के पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है। LCD की बैकलाइट की पिन्हें होती हैं 15 और 16। 15 अनोड होती है, 16 कथोड होती है। कथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और अनोड पे पॉजिटिव से अनोड हम के रिस्टेंस सीरीज में यूज़ की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने कलर सेंसर यूज़ किया हुआ है TCS3200, तो जिससे हम रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यू गेट कर रहे होंगे। उस वैल्यू के मुताबिक चेक लगा के आगे हम कलर डिफाइन करेंगे। TCS230 और TCS3200 सेम ही प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे होते हैं। TCS3200 की जगह हम TCS230 भी यूज़ कर सकते हैं। कलर सेंसर की आउट की पिन हमने अर्डिनो की 8 पिन के साथ अटैच की हुई है। S0 9 के साथ, S1 10 के साथ, S2 11 के साथ और S3 12 के साथ अटैच की हुई है। इस कलर सेंसर में 4 LEDs यूज़ की हुई हैं। जिस भी कलर को हमने डिटेक्ट करना होता है, जैसे ही सेंसर उस कलर पे जाता है तो लाइट उससे टकरा के सेंसर में वापस आती है। सेंसर RGB की अलग अलग फ्रिक्वेंसी रीड कर रहा होता है, उस फ्रिक्वेंसी के मुताबिक आगे हम कलर को डिफाइन कर रहे होते हैं। ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइंट कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ।
तो ये हमारा कोड है, इसको अपने Arduino IDE भी ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोड में सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल के लिए लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है LCD के लिए। इसके बाद LCD के लिए पिनें यूज़ की हुई हैं 2 से 7। इसके बाद कलर सेंसर के लिए पिनें इनिशियलाइज़ की हुई हैं। कलर सेंसर की आउट की पिन Arduino की 8 पिन के साथ अटैच की हुई है, और इसके साथ ही S0 9 पिन के साथ अटैच की हुई है, S1 10 पिन के साथ अटैच की हुई है, S2 11 पिन के साथ अटैच की हुई है, S3 12 पिन के साथ अटैच की हुई है। इसके बाद डीबग की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है, जिसको हमने ट्रू के इक्वल किया हुआ है। अगर आपने RGB की वैल्यू 0 मॉनिटर पे सेंड करनी होगी तो इसको आपने ट्रू के इक्वल करना है। अगर आपने RGB की वैल्यू 0 मॉनिटर पे सेंड नहीं करनी होगी तो इसको आपने फॉल्स के इक्वल करना है। इसके बाद यहाँ पर हमने वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई हैं जो नीचे यूज़ हो रही हैं। इसके बाद अवॉइड सेटअप है, अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉड रेट इनिशियलाइज़ किया हुआ है 9600। बॉड रेट डाटा रेट पर स्पीड होता है, तो यहाँ पर हमने सीरियल RGB की वैल्यू सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए यूज़ की हुई है। इसके बाद S0 से S3 की पिनें आउटपुट मोड में इनिशियलाइज़ की हुई हैं, और साथ ही आउट की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके साथ ही हमने कलर सेंसर पे 100% फ्रीक्वेंसी इनिशियलाइज़ करने के लिए S0 और S1 की पिन पे हाई राइट करवाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने LCD इनिशियलाइज़ की हुई है 16x2 की। LCD क्लियर करके फर्स्ट मैसेज LCD पे डिस्प्ले किया हुआ है 2000 मिली सेकेंड रिले के लिए। 2000 मिली सेकेंड रिले के बाद LCD क्लियर करके मिली सेकेंड को स्टार्ट टाइमिंग की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले गेट कलर का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो जहाँ से हम कलर सेंसर से RGB की वैल्यू गेट करते हैं और उस वैल्यू के मुताबिक कलर डिफाइन किए होते हैं। इसके साथ ही हमने डीबग की वेरिएबल पर चेक लगाया हुआ है। अगर डीबग की वेरिएबल को हमने ट्रू के इक्वल किया हुआ है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 0 मिनट पर डाटा सेंड करना है। अगर डीबग की वेरिएबल को फॉल्स के इक्वल किया होगा तो इसने 0 मिनट पर डाटा सेंड नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर हम 8000 मिली सेकेंड रिले के बाद शो डाटा LCD का फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं, तो जहाँ पर हम LCD पे RGB की वैल्यू और कलर प्रिंट कर रहे होते हैं। इसके बाद रीड RGB का फंक्शन है, इस फंक्शन में हम कलर सेंसर से RGB की वैल्यू गेट कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रिंट डाटा का फंक्शन है, इस फंक्शन में हम RGB की वेरिएबल और कलर की वेरिएबल सीरियल पे प्रिंट कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर शो डाटा LCD का फंक्शन है, इस फंक्शन में हमने LCD पे RGB की वेरिएबल्स और कलर की वेरिएबल्स डिस्प्ले की हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर गेट कलर का फंक्शन है, तो इस फंक्शन में हम सबसे पहले रीड RGB का फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं, तो वहाँ से हम सेंसर से RGB की वेरिएबल गेट कर लेते हैं। इसके बाद कलर डिफाइन करने के लिए रेड ग्रीन ब्लू की वेरिएबल पे चेक लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर हमने रेड कलर के लिए वेरिएबल पे चेक लगाए हुए हैं। अगर रेड की वेरिएबल 7 से अबव है और 11 से ड्रॉप है, और अगर ग्रीन की वेरिएबल 70 से अबव है और 21 से ड्रॉप है। इसके बाद ब्लू की वेरिएबल 13 से ओवर है और 17 से ड्रॉप है, तो इस कंडीशन पे हमने कलर की वेरिएबल को रेड की इक्वल किया हुआ है। रेड कलर को डिफाइन करने के लिए हमने कलर सेंसर के सामने रेड कलर रखा है, तो उस कंडीशन के ऊपर रेड कलर की जो भी वैल्यू आई है उससे हमने 2+ और 2- वेरिएबल सेट कर लिए हैं। तो इस तरह हर कलर को हम कलर सेंसर के सामने रख के RGB की वेरिएबल गेट करते हैं, और इसके बाद उस वेरिएबल के मुताबिक RGB की वैल्यू पे चेक लगा देते हैं। यहाँ पर हम कलर की वेरिएबल को अपडेट कर लेते हैं। इसी तरह ही हमने ग्रीन को अपडेट किया हुआ है, इसी तरह ही हमने ब्लू को, इसी तरह ही येलो को, और इसी तरह ही व्हाइट को। तो अभी हमने ये 5 कलर अपडेट किए हुए हैं। अगर आपने इसके अलावा कोई कलर ऐड करना होगा तो उसका भी तरीका आपको बता देता हूँ। तो चलिए अब कोड Arduino में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है Arduino यूनो। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है, पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। हार्डवेयर में आपने पोटेंशियोमीटर को मूव करके LCD का कंट्रास्ट सेट कर लेना है।
तो एलसीडी पे हमें आरजीबी की वैल्यू और कलर शो हो गया हुआ है। तो यहाँ से आपने सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेना है। तो जैसे हम सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं, कंट्रोलर हमारा रीसेट हो जाता है और साथ ही सीरियल मॉनिटर पे हमें आरजीबी की वैल्यू और कलर की वेरिएबल अपडेट हो जाती है। तो यहाँ पर आपने सीरियल मॉनिटर पे बॉड रेट कन्फर्म कर लेना है 9600। तो जैसे ही कलर सेंसर के सामने रेड कलर आएगा तो उस कंडीशन के ऊपर आरजीबी की वेरिएबल रेड कलर के मुताबिक चेंज हो जाएंगी, और जो हमने रेड कलर के मुताबिक जो हमने आरजीबी की वेरिएबल्स पे चेक लगाए होंगे तो उसके मुताबिक इसने कलर की वेरिएबल को अपडेट कर देना है। तो जैसे हमने कलर सेंसर के सामने रेड कलर किया है तो उस कंडीशन के ऊपर आरजीबी की वेरिएबल चेंज हो गई हुई है। जो कलर सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं लाइट के मुताबिक अपनी वैल्यू अप डाउन कर लेते हैं, तो आपने जिस जगह पे यूज़ करना है उसकी लाइट के मुताबिक आपने इसको कैलिब्रेट कर लेना है। तो जैसा कि अभी हमारी जी की वेरिएबल गड़बड़ कर रही है, तो यहाँ से हम जी की वेरिएबल को दोबारा अपडेट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने ग्रीन की वेरिएबल पर चेक लगाया हुआ है 17 से अबव और 21 से ड्रॉप, तो यहाँ पर हमारी वेरिएबल 21 की इक्वल जा रही है, तो हमने यहाँ से इसको 22 कर लेना है या 23 कर लेना है। इसके साथ ही ब्लू की वेरिएबल को भी चेंज कर लेते हैं। अब हम कलर सेंसर के सामने ग्रीन कलर रखेंगे। तो ग्रीन कलर के लिए हमने जो चेक लगाए हुए हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, तो इनको हम चेंज नहीं करते हैं। अब इसी तरह हम ब्लू कलर सामने लेके आते हैं। तो अभी हम ब्लू कलर के लिए भी वेरिएबल्स दोबारा से अपडेट कर लेते हैं। इसके बाद कलर सेंसर के सामने येलो कलर रखेंगे। तो येलो की वेरिएबल ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जैसे ही कलर सेंसर के सामने येलो कलर आया है तो यहाँ पर हमने जो येलो कलर के लिए आरजीबी की वेरिएबल पे चेक लगाए हुए थे तो उसके मुताबिक इसने कलर की वेरिएबल को अपडेट कर दिया हुआ है। तो अब हम इसके सामने वाइट कलर रखेंगे। तो यहाँ पर वाइट कलर के लिए जो हमने चेक लगाए थे वो सेम ही हैं। इसके बाद इसके सामने हम ब्लैक रखेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा कलर ऐड करना था। तो जैसा कि हमने ब्लैक कलर के लिए आरजीबी की वेरिएबल पे कोई भी चेक नहीं लगाए हैं, उस कंडीशन के ऊपर ये सीरियल मॉनिटर पे भी नो कलर प्रिंट कर रहा है और साथ ही एलसीडी के ऊपर भी नो कलर शो हो रहा है। तो अब हम यहाँ से ब्लैक कलर को भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से आपने इस लाइन को कॉपी कर लेना है, इसके बाद इसके नीचे ही आपने पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से आपने कलर की वेरिएबल को ब्लैक के इक्वल कर देना है। अब आपने आरजीबी की वेरिएबल्स को रीड करना है। जैसा कि आर की वेरिएबल 30 से 34 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है, तो यहाँ पर हम आर की वेरिएबल पे चेक लगा देते हैं 28 से 36। इसके बाद जी की वेरिएबल रीड कर लेते हैं, तो जी की वेरिएबल 29 से 31 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है, यहाँ पर हम जी की वेरिएबल पे चेक लगा देते हैं 27 से 34। इसके बाद बी की वेरिएबल रीड कर लेते हैं, तो बी की वेरिएबल 25 से 27 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है, तो यहाँ पर हम बी की वेरिएबल पे चेक लगा देते हैं 23 से 29। तो जैसा कि अभी हमने ब्लैक कलर ऐड कर लिया हुआ है, तो यहाँ से अब हम कोड अपलोड कर लेते हैं। तो जैसे हमने कोड अपलोड किया है, एलसीडी पे कलर हमें ब्लैक शो हो गया हुआ है और यहाँ पर सीरियल मॉनिटर पे भी कलर हमें ब्लैक शो हो गया हुआ है। अब इसी तरह जैसे ही हम कलर को चेंज करते जाएंगे तो नेक्स्ट कलर शो होता जाएगा।
इसी तरह ही आरजीबी की वेरिएबल पे चेक लगा के मजीद कलर ऐड किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कलर सेंसर आरजीबी की वेरिएबल को लाइट के मुताबिक चेंज कर रहा होता है। तो जहां पर आपने कलर सेंसर यूज करना होगा, वहां पर आपने सिर्फ मिनटों को ओपन करके आरजीबी की वेरिएबल को गट करना है और इस वेरिएबल के मुताबिक हर एक कलर को दोबारा से ट्यून कर लेना है। इसके बाद कोड अपलोड करना है, उसके बाद ये एग्जैक्ट कलर डिटेक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट कलर डिटेक्टर। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।